नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा और वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धनियों की टॉप लिस्ट में आता है जिनके पास प्रॉपर्टी है। ये अवैध प्रॉपर्टियों को जो जखीरा है वो नेहरू ने एक आदेश पारित किया, उसके बाद इंदिरा ने आके उस पर मोहर लगा दी और देश की 1947 में एक बार बंटवारा करके पूरा पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन उसके बाद वक्फ बोर्ड बनाकर हिंदुस्तान में भी भारत में जमीनों पर कैसे सेंध लगाई गई वो आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में दिखने जा रहा है। लेकिन सबके बीच में आखिरकार सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई 1989 के बाद जो भी जमीनें ऊसर बंजर जो भी वक्फ बोर्ड ने हथियार लिए थे उनको कानूनी जमा पहनाकर फिर से वापस लाने का काम सरकार ने, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब ऐसे इस फैसले पर राहुल गांधी सोनिया गांधी को मातम में आना ही था। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी वीडियो और क्या है वक्फ बोर्ड अगर आप नहीं जानते हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। और अगर आपकी जमीन वक्फ बोर्ड में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और डिटेल्स हमसे हमारे मेल आईडी पर जरूर साझा करेगा। हम आपकी इस पूरे के पूरे अभियान में आपकी मदद जरूर करेंगे। और इसको लेकर के पिटीशन जो दायर की गई थी, याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी क्या हुआ और क्या सरकार ने फैसला लिया है, आप सभी के राय उस पर चाहेंगे और अनुरोध करेंगे। वीडियो को लाइक का बटन दबना चाहिए, एक लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हर लाइक के साथ एक शेयर जरूर करिएगा, ये हमारी आपसे विनती है। आगे बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। 1989 में एक शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। खेल देखिएगा, क्योंकि खेल तो 1953-54 में हो गया था, लेकिन 1989 में एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के तहत ऊसर बंजर और भीटा की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने दर्ज करा लिया गया था उस आदेश के बाद। बाद में इन संपत्तियों को अनियमितता करके बेचा जा रहा था। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया था। वर्ष 89 के बाद वक्फ बोर्ड के नाम की गई सभी तरह के सार्वजनिक संपत्तियां वापस राजस्व विभाग के नाम दर्ज की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर गाजियाबाद से काम शुरू हो गया। गाजियाबाद से एक काम शुरू हुआ जिसमें सर्वे में बंजर, ऊसर, भीटा व अन्य ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड खंगाला निकाला गया जो पहले राजस्व रिकॉर्ड में थी लेकिन वो अब वक्फ बोर्ड की हो चुकी थी। और इस पर पूरे के पूरे 1 से 2 महीनों में तहसील और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी यूपी सरकार को रिपोर्ट भेजने के साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया गया। लेकिन यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो सर्वे शुरू हुआ वो 1989 के बाद की संपत्तियां इसमें ली जा रही हैं, वापसी होगी और अक्टूबर माह के अंत तक इस रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सबसे, हम इसमें बता दें आपको, ये सारी संपत्तियां जो है वो सर्वे कराकर वापस लिया जाएगा। और इन सबके बीच में सबसे हम आपको बात लिए चलते हैं जो कि आपको भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या और इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो हैं वो संपत्तियां कैसे वक्फ बोर्ड को जबरन कब्जा करने से और क्या क्या काम उसने किए। और यहाँ तक भी कर्नाटक का एक मंदिर जो छठी शताब्दी का था उस पर भी वक्फ बोर्ड ने, जी हाँ, वक्फ बोर्ड ने उस पर भी अपना धाक जमा करो कह दिया कि ये जो मस्जिद है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड की है। पहले वक्फ बोर्ड पर नेहरू और गांधी का कच्चा चिट्ठा खोलें, आपको थोड़ा सा बता देते हैं आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड की वो संस्थाएं जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ बोर्ड कहलाती है। जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी मालिकाना अधिकार नहीं होता है, उसे अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दी जाती है।
ये संस्थान उस संपत्तियों से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसको बेचना, खरीदना, किराए पर देना। एक बार यदि कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड ये जमीन दे देता अपनी, तो फिर उसके बाद उसकी संपत्ति को कभी भी वापस नहीं ले सकता है वक्फ बोर्ड, चाहे उसे कैसे भी इस्तेमाल करे। आजाद भारत में इसकी शुरुआत जो हुई वो काफी शर्मसार रही। 1947 में देश का बंटवारा कर दिया गया और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, और हमारे पूज्य गांधी जी ने 75 करोड़ रुपया उसके बाद भी पाकिस्तान को दे दिया। अब पेट यूं ही नहीं भरा, क्योंकि उनके द्वारा बिठाए गए नेहरू जो कि प्रधानमंत्री बने थे, एक बार तो मुसलमान को पूरे देश दे दिया, अब क्या किया खेल 1954 में वक्फ एक्ट 1954 में लेकर आई नेहरू सरकार, और उसके बाद इस वक्फ बोर्ड को साल 1995 में एक्ट में बहुत सारे संशोधन किए गए। अब समझिएगा 1954 का और 1995 का जो कनेक्शन है वो बहुत खतरनाक है। पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि 1954 में और 1995 में क्या हुआ उसका सच हम आपको बताते रहे हैं। जो 1995 में संशोधन किया गया, इन संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन करने की अनुमति दी गई, और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल करता था इस सबको लेकर के। आपको बता दें, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत के सरकार द्वारा 1954 के इस वक्त अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 धारा 9 सबसेक्शन 1 के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता था। देश भर में कुल एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड है। हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। मैं आपको बता दूं 1954-1995 का कनेक्शन जो आपको शायद समझ में आने लगा। 1954 का कनेक्शन जो है, एक बार मुस्लिम राष्ट्र को बात दिया गया देश को और हिंदुस्तान को सेकुलर बना के पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र दे दिया गया। पेट यही नहीं भरा, उन्हें लगा कि अब तो भारत में भी कैसे इस्लाम पर पैर पसारेगा, तो इस्लाम को पैर पसारने के लिए उन्होंने एक ऐसे बोर्ड का गठन किया जो बोर्ड इस्लाम के नाम पर देश भर की संपत्तियों पर कब्जा करेगा। और आज भारत में रेलवे के बाद अगर कोई संपत्ति किसी के पास सबसे ज्यादा है तो वो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। और ये खेल चलता रहा। साल 1995 आया, 1995 में फिर से इस वक्फ बोर्ड के हाथ को और मजबूत कर दिया गया। अब हाथ वो कैसे मजबूत किया गया वो समझिएगा, और क्यों मजबूत किया गया ये समझिएगा। वक्त था, दौर था 1990-91 का। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या में कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि शायद सोनिया गांधी का कनेक्शन था उनकी मौत में, क्योंकि सारी रैलियों में सोनिया गांधी साथ जाती थी, लेकिन केवल उसी रैली में सोनिया गांधी साथ नहीं गई थी जिनमें उनकी हत्या हुई थी। अब देश में क्या चल रहा था, देश में पूरी तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस था, नेताओं की कमी थी अगर बात करें, क्योंकि राजनीतिक नेताओं की कमी थी। 1991 का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस, क्योंकि देखिए उस समय का वक्त ये था कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आई थी जितनी उसको आनी चाहिए। कांग्रेस को नेतृत्व की दरकार थी। अब ऐसे में सोनिया गांधी को लगा कि अब तो हिंदू जाग गया है और जितने मंदिर हैं उनको वापस लिए जाएंगे। साहब लाया गया एक वक्त जिसे वर्शिप एक्ट कहा गया, वर्शिप एक्ट 1991। सरकार बनते ही सबसे पहला काम किया गया कि अब हिंदू जाग गया है, जितनी मस्जिदें, जितनी अकबर बाबर की औलादों से, शायद उनसे, उनके जिन्होंने मंदिर बन तोड़े हैं, मस्जिद बनाए हैं, उनको वापस लिए जाएंगे। तो इनको डर अंदर से सताया, 1990 का आंदोलन इनको डर अंदर से सताया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्शिप एक्ट लेकर आए। वर्शिप एक्ट लाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वर्शिप एक्ट लाने के बाद इन लोगों ने किया, एक तरफ तो उनके हाथ मजबूत कर दिए थे वक्फ बोर्ड लाकर ही, अब वर्शिप एक्ट लाकर कि इतने भी मस्जिदों को तोड़ा गया मुगल आक्रांताओं द्वारा,
वो मस्जिदों को दोबारा से ना मंदिर बन पाए उसके लिए कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के हाथ को ऐसे बांध दिया गया कि अगर कोई 1947 के बाद का पहले का कोई इस तरह का विवाद है तो ही वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर नहीं वो कर सकता भले भी वो कोई प्रूफ दे सके। लेकिन इन सबके बावजूद राम मंदिर का निर्माण हुआ और मथुरा काशी अभी भी वहाँ है, लेकिन सबके बीच में पेट यहीं नहीं भरा था। 1995 में वक्फ बोर्ड लेकर आए कानून, जो वक्फ बोर्ड कानून 1964 में आ गया था, 1952-54 में उसकी नींव रख दी गई थी, 1995 में उस कानून को इतना मजबूत कर दिया गया कि आपकी जमीनें अगर वक्फ बोर्ड ले लेता और कहता ये मेरी जमीन है तो आपको वह सुप्रीम कोर्ट भी या किसी भी कोर्ट की औकात नहीं है कि वो आपकी ज़मीनों को वापस दिला दे, आपको फिर से उन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ता, किसके वक्फ बोर्ड के सामने जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता कि माई बाप मेरी ज़मीन को वापस दे दो। यही हालत साउथ के एक मंदिर का भी हुआ था, मैंने भी जिक्र किया था, 600वीं 6वीं शताब्दी में वो मंदिर बना था और उस मंदिर पर दावा शायद शर्म के पैदाइश भी नहीं हुई थी, वक्फ बोर्ड ने कर दिया कि वो मंदिर हमारा है, उसकी संपत्ति। हाल फिलहाल में खबर आ रही है अयोध्या के राम मंदिर के पास में एक बाग है जिसको अयोध्या राम जन्मभूमि बोर्ड ने एक्वायर किया, खरीदा है, अब उसको लेकर विवाद गहराया हुआ है कि जो बगल का एरिया है वो वक्फ बोर्ड का है और इसे गलत तरीके से खरीद फरोख्त किया गया है। तो साहब हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है वो हिंदुस्तान नाम के लिए हिंदू कहा गया, लेकिन कांग्रेसियों ने पूरी तरह से देश को इस्लामीकरण करने से नहीं छोड़ा और पाकिस्तान को पहले बांट दिया, लेकिन सबके बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैसला लिया है 1989 के बाद जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को वापस लिया जाएगा और अक्टूबर आने वाले अक्टूबर तक इसका सर्वे कंप्लीट कर लिया जाएगा और उन संपत्तियों को वापस सरकार में अटैच किया जाएगा प्रॉपर्टियों में। और कैसा लगा ये योगी आदित्यनाथ का फैसला कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको स्टार देना हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो स्टार जरूर दें हमें और इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करके एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत बहुत धन्यवाद।